रॉक के ऊपर आज हमें ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के ऊपर एक खतरनाक वाली ब्रॉल देखने को मिली। ब्रॉक लेसनर इनके अंदर आता है, एडम पियर्स वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेके खड़े होते हैं। बॉब ब्रॉक लेसनर कहते हैं, बॉबी तुम जल्दी आते हो फिर मैं वहाँ पर आ जाऊँ अपने पिछोटा लेके, जल्दी से आ जाओ। ब्रॉक लेसनर आते हैं लेकिन दस बीस सिक्योरिटी गार्ड को एक में साथ लेता है। लेकिन क्या होता है, ब्रॉक लेसनर सारे सिक्योरिटी गार्ड को इतना खतरनाक वाली उनकी मारना शुरू करते हैं। फिर बॉबी लैशली पीछे से एक स्पीयर कनेक्ट करता है और फिर बॉबी लैशली की पिटाई शुरू होती है। बॉबी लैशली और एक स्पीयर मारता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं, यानी कि अब ये मैच ऑफिशियल हो जाएगा। लेकिन ब्रॉक लेसनर क्रीपी स्माइल देख के और मज़ा आएगा एलिमिनेशन चैम्बर देखने के लिए। कोडी रोड्स आज मोटिवेशनल स्पीकर भी बन चुके हैं सैमी ज़ेन के लिए। सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स फेस टू फेस आता है। कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम्हें रेसलमेनिया में जीतना पड़ेगा क्योंकि तुमने ब्लड लाइन तोड़ी, तुमने रोमन रेंस की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ और तुम ही वही रीज़न बनेगी जब रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हारने वाला है। इस तरह से कोडी रोड्स मोटिवेट करते हैं सैमी ज़ेन को, तुम जाओ एलिमिनेशन चैम्बर में रोमन रेंस को हराओ या फिर उसके बाद रेसलमेनिया में मुझसे जाकर भिड़ो, तुम से एक रेसलमेनिया मटेरियल हो ऐसा कुछ। अपने कोडी रोड्स संदीप माहेश्वरी की तरह अपने सैमी ज़ेन को मोटिवेट करते हैं और इंकरेज करते हैं अपने एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। इस तरह से हमें इन दोनों का फेस टू फेस कंफ्रंटेशन और एक प्रोमो और देखने को मिले। रोमन रेंस को वार्निंग भी देते हुए नजर आए कोडी रोड्स के ऊपर। अपने सेथ रॉलिंस और अपने मिज का इंटरव्यू भी देखने को मिला। सेथ रॉलिंस कुछ अलग ही गम बूट पहन के आए थे सेंटा क्लॉस के, पता नहीं गम बूट थे। सेथ रॉलिंस क्या इंटरव्यू होता है, लेकिन पूरे इंटरव्यू में पूरे लोगन पॉल की बात करते हैं। लोगन पॉल ऐसा है, लोगन पॉल वैसा है, वो सिर्फ क्लिक्स माना जाता है, फेमस होना जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसा कुछ लोगन पॉल के ऊपर कहना है। लेकिन वहाँ पर सेथ रॉलिंस फिर मिज के ऊपर अटैक करते हैं, वहाँ से ऑस्टिन थ्री आते हैं, ऑस्टिन थ्री के ऊपर सेथ रॉलिंस एक बार फिर से अटैक करते हैं, वो एक स्टॉर्म कनेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ से ऑस्टिन थ्री का फिनिश मुंह लगाते हैं और स्टेटमेंट देता है एलिमिनेशन चैंबर के लिए। ऐसा कुछ देखने को मिला। मेन इवेंट में एक ट्रिपल थ्रेट मैच था, वो बियांका ब्लेयर बेली वर्सेस बेकी लिंच। इन तीनों में से अगर बेली और बेकी लिंच इन दोनों में से कोई भी जीतता है तो ये दोनों सीधा ऐड होने वाले एलिमिनेशन चैम्बर के लिए, क्योंकि इन दोनों को भी चाहिए रेसलमेनिया 39 के लिए स्पॉट, वो भी चैंपियनशिप के लिए। मतलब अगर बियांका ब्लेयर किसी भी रीजन से अपनी मैच हारती है तो बेकी लिंच और बियांका ब्लेयर जीतने बेली जाने वाले थे एलिमिनेशन चैम्बर में, और यही होने वाला है। बेकी लिंच और बेली ये भी जाने वाले एलिमिनेशन चैम्बर में कन्फर्म है, और एक ट्रिपल थ्रेट हमें शायद खत्म वाला एलिमिनेशन चैम्बर में ये दोनों भी ऐड होने वाली है।